अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अजलान सर द मास्टर ट्रेनर। आज हमारा टीचिंग मेथड का 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंतहाई इम्पोर्टेंट रेसिटेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले कि हम लेक्चर को शुरू करें, हम देखेंगे कि पिछले 7 लेक्चर्स में हमने क्या कुछ डिस्कस किया। हमने लेक्चर मेथड को डिस्कस किया, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ड्रिल मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड को डिस्कस किया, सिमुलेशन मेथड को, एक्टिविटी मेथड को, टीम टीचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देखा, कोऑपरेटिव लर्निंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, रोल प्लेइंग, प्रोग्राम असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग, इन सब को हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया। इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, उन पर हमने तफसीली रोशनी डाली। आज का हमारा लेक्चर जो है वो रजिस्ट्रेशन मेथड पर है, मगर इससे पहले के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो, मेरी अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिल सके, और इन लेक्चर्स के बारे में जानने के लिए चैनल एजुल आंसर में जाके प्ले लिस्ट को विज़िट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने लगे हैं रजिस्ट्रेशन मेथड। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक फॉर इम्प्रिंटिंग मटीरियल ऑन माइंड एंड मूविंग टू लॉन्गर टर्म मेमोरी, यानी कि एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम बच्चों को मटीरियल जो याद करवाना चाहते हैं वो उनके जहन पर नक्श हो जाता है और लॉन्ग टर्म वो याद रखते हैं। A recitation is a discussion carried by a teaching assistant to supplement a lecture given by a senior faculty at any academic institution. यानी किसी भी तालीमी इदारे में किसी भी सीनियर की तरफ से ये लेक्चर दिया जाता है। इसमें टीचिंग असिस्टेंट TA की एब्रीवेशन यूज़ होती है, ये आपने याद रखना है कि टीचिंग असिस्टेंट है, कि सीनियर ने जो लेक्चर दिया है उसको आगे एलेबोरेट जो है वो दूसरे लोग करते हैं, टीचर्स। ड्यूरिंग द रेजिटेशन टीचिंग असिस्टेंट विल रिव्यू द लेक्चर, एक्सपेंड द कंसेप्ट एंड कैरी अ डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स। यानी कि इस मेथड में लेक्चर सीनियर लोग दे दें और उसके बाद जो टीचिंग असिस्टेंट हैं उन्होंने लेक्चर को रिव्यू किया, कंसेप्ट्स को क्लियर किया और स्टूडेंट्स के साथ बहुत ब्रीफली डिस्कस किया। इन क्लासेस विद द मैथमेटिकल aspects the recitation is often used to perform or solve problems similar to those assigned to the students. यानी इसको हम मैथ में कुलिये याद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फार्मूलाज को याद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल इसी तरह से होता है। इसके बाद ये देखते हैं हम क्या आ रहा है, इम्प्रूव मेमोरी एंड लर्निंग। यानी इस मेथड के ज़रिए हम बच्चे की मेमोरी यानी उसकी याददाश्त को और लर्निंग याद करने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। द रिकॉल और रेजिटेशन मेथड इम्प्रूव्स मेमोरी एंड लर्निंग इन फॉलोइंग वेज। यानी बच्चे में याद करने की सलाहियत और याद रखने की काबिलियत, इन दोनों को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इट फोर्सेस यू टू डिसाइड व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू रीड। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखी जाती हैं लेकिन याद करने के लिए उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स ही होते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपने जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। इट फोर्सेस यू टू फॉल अलर्टनेस बिकॉज इट इज़ अ वेरी एक्टिव एंड डिमांडिंग टेक्निक। इसमें आपने जो फोर्स करना है, फोकस करना है कि अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अलर्ट रखना है, क्योंकि ये मेथड ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सोए सोए भी हैं तो ये चीज़ याद हो जाए। इसमें जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे मेंटली ये काम नहीं हो सकेगा। इट फोर्सेस यू टू पुट द मटीरियल इन योर ओन वर्ड्स। इस मेथड में बच्चे को ये फोर्स किया जाता है कि जितना भी मटेरियल याद किया है उसको वो अपने अल्फाज में लिखे, यानी उसके अंदर ये सलाहियत पैदा की जाती है कि वो याद किए हुए लेसन को अपने अल्फाज में लिख सके। इट रिवील्स वेदर यू रियली रीड द ग्रेप्स द मीनिंग।
और जितने भी अल्फाज याद किए हैं उनके मानी भी पता हो, बिल्कुल रटा सिस्टम ना हो कि बस याद कर लिया और उसका मफहूम और मानी पता नहीं। ऐसा नहीं होगा, बच्चे को जो याद कर रहा है उसका मीनिंग और कंसेप्ट भी उसका क्लियर होगा। इसके बाद ये देखते हैं हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या हैं रजिस्ट्रेशन मेथड के। सबसे पहले जो इसका एडवांटेज है वो जो स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू प्लान एंड एग्जीक्यूट एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट ये देखता है कि हम मैंने एक एक्टिविटी को प्लान किस तरह से करना है और उसको करना कैसे है। दूसरे नंबर पे कॉमन इंटरेस्ट एंड पर्पस आर डिस्कवर्ड। जो एक क्लास बैठी है उसमें जिन लोगों के मुश्तरका मकासद होते हैं ये और मुश्तरका उनकी दिलचस्पी होती है ये टीचर डिस्कवर कर लेता है इस मेथड के ज़रिए। लीडरशिप क्वालिटीज़ आर डिस्कवर्ड, इस मेथड में लीडरशिप क्वालिटीज़ वो भी डिस्कवर्ड होती हैं। इनिशिएटिव्स आर इनकर्स्ड, अगर कोई बच्चा नया काम करना चाहता है, कोई स्टेप उठाना चाह रहा है तो वो भी इनकर्ज किया जाता है, उसको डिस्करज नहीं किया जाता। इसी तरह इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट इज़ अचीव्ड, हर किसी को सोचने की इसमें आज़ादी है। ऐसा नहीं कि जो टीचर ने कह दिया है वही हर्फ आहर है, इससे हटकर बच्चा काम नहीं कर सकता। बच्चों को अपनी सोच की और उस पर अमल करने की आज़ादी होती है। स्टूडेंट्स डेवलप गुड सोशल मैनर्स, इस मेथड के ज़रिए बच्चे में सोशल मैनर्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आर ट्रेंड हाउ टू प्लान एंड रिपोर्ट, इसमें स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करने की ट्रेनिंग हासिल होती है, प्लान करने की ट्रेनिंग हासिल होती है। और स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, और ये भी स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक डिस्कशन में मैनर्स के साथ किस तरह से पार्टिसिपेट करना है कि जहाँ पे दूसरों के जज्बात भी मजरूह ना हो और उनका जो बात करना है वो भी दूसरों तक पहुँच जाए, मुद्दा नज़र भी दूसरों तक पहुँच जाए। स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, इस मेथड में स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है एक्सपीरियंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ गेन्ड, इस मेथड में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी हासिल होता है बच्चे को, बच्चे को अपनी ज़ात पर एतमाद हासिल होता है और यही एतमाद उसको नेक्स्ट ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ लेके चलता है। रिस्पेक्ट फॉर अदर इज़ डेवलप्ड, इसमें दूसरों के लिए रिस्पेक्ट का जज्बा उभरता है, वो इस तरह से कि जब हमारे ख्यालात हैं उनको इज़्ज़त टीचर दे रहा है या बाकी हमारे क्लास फेलोज़ दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम भी दूसरों के लिए रिस्पेक्ट का जज्बा अपने अंदर फील करते हैं। कोऑपरेशन इज़ लर्न्ड, एक दूसरे के साथ तआवुन की फ़िज़ा पैदा होती है और लोग सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ तआवुन किस तरह से किया जाता है। स्टूडेंट्स हैव ग्रेटर एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ और इज़्ज़त और एहतराम के जज्बात रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उनके आइडियल टीचर होते हैं उनकी बातों को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करें। टीचर्स नो स्टूडेंट साइकोलॉजी, टीचर्स भी बच्चों की साइकोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं और उसके मुताबिक उनको गाइड करते हैं। लर्निंग इज़ हाईली मोटिवेटेड, इस टीचिंग मेथड में लर्निंग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती है टीचिंग टीचर्स के लिहाज से भी और स्टूडेंट्स के लिहाज से भी। इसके बाद है जी कंक्लूजन है हमारे पास, रेजिटेशन इज़ अ डायरेक्ट टीचर सेंटर्ड मेथड इन विच द टीचर, रेजिटेशन इज़ अ डायरेक्ट टीचर सेंटर्ड मेथड इन विच द टीचर आस्क स्पेसिफिक शार्ट क्वेश्चन विद द स्पेसिफिक आंसर इन माइंड। आपने देखा होगा कि बाज़ का टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं वार्म अप करने के लिए बच्चों को, या लेसन ख़त्म करने के बाद लेसन में से कुछ ऐसे सवाल निकाल लेते हैं जहाँ पे बच्चों का शायद फोकस ना हुआ हो मगर टीचर जानता है कि उसका जवाब क्या होगा। बस इसी तरह ये रजिस्ट्रेशन मेथड में है कि बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेसिफिक और उसके आंसर टीचर को ऑलरेडी पता होते हैं, और ये मेथड और टीचर सेंटर्ड मेथड है। इनकरेक्ट आंसर्स आर यूजुअली करेक्टेड बाय द टीचर आर बाय द क्लास, और जो पूछा जाने वाला सवाल अगर बच्चा गलत बता रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसको सही आंसर की तरफ लेके चलते हैं। एक बच्चे ने गलत बताया, दूसरे से पूछ लिया, उसने उसे थोड़ा सा बेहतर बता दिया, तीसरे से पूछ लिया, उसने उसे बेहतर बता दिया, आहिस्ता आहिस्ता करते बच्चा सही जवाब तक पहुंच जाता है और सारी क्लास को उसका सही जवाब पता चल जाता है, चाहे क्लास के ज़रिए हो और अगर कोई बच्चा नहीं बता पा रहा तो फिर डेफिनेटली टीचर उसका आंसर बताएगा। ए टीचर मे यूज़ प्रॉबिंग क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हेल्प द क्लास कम टू द करेक्ट आंसर, और टीचर उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी करते हैं उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस और मज़ीद करेंगे ताकि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच जाएं।
तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। लेक्चर पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट की सूरत में हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए। टीचिंग मेथड के नवे लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।